नमस्कार दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आम जन के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, उस विषय पर बात करने आया हूँ। रोहतास जिला में आप जानते हैं कि पारा मेडिकल कर्मियों के 75% से अधिक पद खाली हैं। उनमें मैं एक पीएचसी का उदाहरण आपके पास दे रहा हूँ। उस पीएचसी में 22 यानी 22 पद सृजित हैं, लेकिन उसमें एक भी स्टाफ नहीं। 22 का 22 पद खाली है। अब आप बताइए कि उस पीएचसी में इलाज को जाने वाले लोग, उनका क्या होता होगा? ये 22 पद पैरामेडिकल कर्मियों के हैं। इसके अलावा नर्सेज लोग वहां होंगे। लेकिन सवाल है कि जब आदमी कोई कहीं चोट लग जाती है, छोटा मोटा ऑपरेशन है या परिवार नियोजन से संबंधित ऑपरेशन है, एक्सरे कराना हो, आंख जांच करवाना हो, घाव का ड्रेसिंग कराना हो, तो उसको पीएमसीएच रेफर टू हायर सेंटर किया जाता है। क्योंकि रोहतास के जिला अस्पताल की भी स्थिति वही है और रोहतास में भी लगभग 10-12 स्टाफ मात्र पोस्टेड है। ये रोहतास के एक पीएचसी का स्थिति हमने आपको बताया है। इसके अलावा सीएचसी का भी स्थिति खराब है, वहां भी कोई स्टाफ नहीं है। ट्रॉमा सेंटर में कोई स्टाफ नहीं है। हम आपको पीएचसी में जो 22 सीटें हैं उसका विवरण बता रहे हैं आपको। ओटी असिस्टेंट के 5 सीट खाली है और 5 के 5 रिक्त, मतलब सृजित भी है 5 और 5 रिक्त है, मतलब कि एक भी स्टाफ नहीं है। एक्सरे टेक्नीशियन का 5 पोस्ट है कि मरीज को कभी भी एक्सरे की जरूरत होगी तो एक्सरे किया जाएगा, लेकिन अफसोस वहां लाखों का मशीन है एक्सरे करने के लिए, लाखों का ओटी टेबल है ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उसको देख रेख करने वाला टेक्नीशियन नहीं है। लैब टेक्नीशियन का वहां 5 पोस्ट है, लाखों की मशीनें लगी हुई है, लेकिन उसको चलाने वाले लैब टेक्नीशियन नहीं है। आंख जांच करने वाली वहां लाखों की मशीनें हैं, लेकिन अफसोस वहां ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के पद रिक्त हैं। वहां स्वच्छता निरीक्षक के पद रिक्त हैं। अब ऐसी स्थिति में कैसे बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना हम कर सकते हैं? आप सभी जागरूक साथी हैं, आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग इस जानकारी को अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। मैं राज्य के तमाम अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल, राज्य के ट्रॉमा सेंटर, इन सभी अस्पतालों से संबंधित लगातार मैं जानकारी आप सबको अपडेट देते रहता हूँ। साथ ही साथ पढ़ाई को लेकर के भी इस पर वीडियोस आती रहती है। आप पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं और अस्पतालों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पर, Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।